राम राम जी, कैसे हो आप सब? आप सबको आपके अपने चैनल विलेज लाइफ इच्छिमा में स्वागत है। तो ये वीडियो बुधवार का है, जिस दिन हम हिसार गए थे उसी दिन का। तो एक पार्ट पहले आ चुका है और सेकंड पार्ट मैं नहीं डाल पाई थी, तो सोचा कि चलो आज डाल देते हैं। अब तो यहीं पे हमने फर्स्ट पार्ट का एंड किया था और यहीं से अपना जो सेकंड पार्ट है वो स्टार्ट कर दिया है। ड्रोन ऊपर है। अच्छा, सपने आशाएं बिन बंदिश बिन सीमाएं, चाहे जो हालात बने हम साथ खड़े हैं, हम सारे कदम मिलाकर चलने को जान हथेली कर लाए, जान हथेली कर लाए। तो अब घर पे आ चुके हैं और अब गाड़ी पे जो सतिया करते हैं, मतलब गाड़ी लेकर के आते हैं नई, तो घर की जो बेटी होती है, बहन बेटी कोई भी, तो वो सतिया करती है। तो यहाँ पे अब सतिया होगा और जो सारे भाई हैं उनको तिलक वगैरह किया जाएगा। और उस दिन कमेंट आए थे कि कुछ भी समझ में नहीं आया क्या था, तो समझ में आने वाला इसमें ऐसा कुछ था नहीं, हर एक बात मैंने क्लियर की है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों नहीं समझ में आया। तो ये बात भी मैंने बताई थी कि हम ये हमारे सब्सक्राइबर हैं और इनको गाड़ी मिली है कंपनी की तरफ से, तो सिर्फ इतनी ही बात समझनी थी और इसमें कुछ ऐसा था नहीं। अगर हाँ, एक कमेंट ये भी आया था कि गाड़ी क्यों मिली कंपनी की तरफ से, तो देखिए ज़्यादा मुझे नहीं पता, जितना मुझे पता है मैं आप लोगों को बता देती हूँ, और अगर थोड़ा बहुत गलत बोल जाऊँ तो उसके लिए पहले ही सॉरी बोल देती हूँ। मोदी केयर कंपनी है और वो अपने खुद के जो प्रोडक्ट हैं वो तैयार करती है, ठीक है। मतलब उसमें हमारा जो ग्रोसरी का सामान होता है वो भी, मेकअप प्रोडक्ट होते हैं, जो भी सारा मतलब सब तरह के प्रोडक्ट बनाती है। तो उसमें जो लोग काम करते हैं, जिनका काम अच्छा होता है, तो उनको कंपनी की तरफ से गाड़ी गिफ्ट की जाती है। तो ये 31वीं गाड़ी थी, ठीक है, हैं, हाँ, तो 31वीं गाड़ी थी। मतलब जो भी इसमें काम करते हैं उनमें से बहुत सारे लोगों को मिल चुके हैं और देते ही रहते हैं ये, ज़्यादा मुझे कोई इसकी नॉलेज नहीं है, तो इतना तो आप समझ ही सकते हो। कंपनी ने गाड़ी दी है तो भाई कुछ उसमें अपना देखो, जो ज़्यादा मेहनत लगाता है, जिसका काम ज़्यादा अच्छा होता है, तो उसको मिलती है। और अब यहाँ पर बस जो सतिया है वो होगा, और फिर जो भी चाचे ताऊ के इनके जितने भी ये भाई थे सबको जो तिलक है वो किया गया था, और साथ में ढोल बज रहा था, डांस हो रहा था, तो वो आप लोग एंजॉय कीजिए। और देखो इसमें ये नहीं है, कोई भी जुड़ सकता है, अगर किसी को लग रहा है भाई हाँ बेरोजगार है, काम नहीं है कुछ, और ज़्यादा इसमें कुछ इतनी मेहनत होती नहीं है, सिर्फ जो मीटिंग होती है वो अटेंड करनी होती है और अपने नीचे जो और मेंबर होते हैं वो जोड़ने होते हैं, जितना मुझे पता है, क्योंकि पहले मेरे को भी बोला है 2-3 लोगों ने, जैसे हमारे रिलेशन में करते हैं कि सिमा तेरे पास बहुत अच्छा मतलब सर्कल है तेरा, तो तू काम कर सकती है, लेकिन बस मेरे पास टाइम की कमी है और यूट्यूब मैं अपनी छोड़ना नहीं चाहती, तो इस करके। बाकी अगर आप में से कोई करना चाहता है तो आप लोग जुड़ सकते हैं, बहुत सारी हैं ऐसी, बहुत अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं यहाँ से भी, तो वो आपको हम बता देंगे, नंबर वगैरह दे देंगे, तो आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। Thank you.
थोड़ी देर यहाँ पे रुक के गाड़ी पे सतिया वगैरह करवाया, और घर के जो बड़े बुजुर्ग यहाँ पे थे, लड़कियाँ थी, जो भी घर परिवार के थे जो वहाँ नहीं जा पाए थे, उन सबको अपने साथ लिया। और अब तैयारी हो गई है मंदिर में चलने की, तो चलिए मंदिर में चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोग पहुँच चुके हैं मंदिर में, और हमें आना था 14 तारीख में सक्रांत वाले दिन, क्योंकि बारस पे आते हैं, लेकिन फिर हमने सोचा कि चलो आज ही चलते हैं, साथ में बाबा जी के भी दर्शन हो जाएंगे और साथ में अपना ये जो काम है वो भी बन जाएगा, क्योंकि वहाँ पे भी जाना ज़रूरी था। और देखिए बाकी सब भी आ चुके हैं, बाकी आप लोग पहचान गए होंगे मंदिर को देख करके, जहाँ पे हम हर महीने जाते हैं। जनवरी में हमने जाना शुरू किया था और अब फिर जनवरी है तो 1 साल हो गया है वहाँ पर जाते हुए। 1-2 महीने बीच में नहीं गए होंगे, जब ज़्यादा लॉकडाउन था उस टाइम पे, मतलब 2 महीने मुश्किल से ऐसे गए हमारे। एक बार और नहीं हम जाने पाए थे, हाँ दिसंबर में नहीं जाने पाए थे क्योंकि मैं घर पर गई हुई थी उस टाइम पर, वरना कोशिश होती है पहुँचने की। तो अब यहाँ पे नीचे आ गए हैं, यहाँ पे खाने का प्रोग्राम था, और हर बारिश पे आते हैं तो यहाँ पे प्रसाद मिलता है, मतलब खाना खिलाया जाता है जो भी आता है उसको, और आज भी यहीं पे था प्रोग्राम। तो गर्मा गर्म जलेबियाँ बन रही थी क्योंकि सब लेट हो चुके थे तो भूख सबको लगी हुई थी, और इस टाइम पे 5 का टाइम तो आराम से होगा। तो हमने खाना खाया, और खाना खाने के बाद यहाँ पे सब डांस कर रहे थे, तो आराध्या का मन हो रहा था कि मम्मी चलो थोड़ी देर डांस करते हैं, हालांकि ये बोल रहे थे कि सीमा लेट हो जाएंगे, अगर बस निकल गई ना तो फिर कोई और बस मिलेगी भी नहीं, लास्ट बस मिल सकती है। तो मैंने कहा सिर्फ 5-7 मिनट रुको, और फिर इसको अकेली से हो भी नहीं रहा था कि नहीं मम्मी साथ में, मैंने कहा ठीक है। और म्यूजिक मैं सुना नहीं सकती क्योंकि पता ही आप लोगों को, थोड़ा सा भी हम सुना देते ना तो तुरंत कॉपीराइट आ जाता, और फिर पूरी वीडियो को दोबारा से वहाँ से प्राइवेट करो और दोबारा से फिर डालो तो दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है। तो सब अपनी मस्ती में डांस कर रहे हैं, खाना पीना सबका हो गया है, तो बस थोड़ी देर डांस किया और उसके बाद हम चल पड़े थे, क्योंकि काफ़ी लंबा रास्ता है हमारा, हिसार से लग जाते हैं 2 घंटे तो आराम से, वो भी बस मिलने के बाद। और अब सैनीवास बोल रही हूँ चौधरीवास से हमें हिसार तक भी जाना था, तो मंदिर से वहाँ तक पैदल जाना, और फिर बस क्या पता कितने टाइम में आए। और फिर हिसार से भी ये था अगर हिसार वाली निकल गई ना फिर दिक्कत हो जाएगी, तो बस फिर हम भागे 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 जल्दी जल्दी अड्डे तक गए, बस स्टैंड तक, लेकिन बस आ गई थी, 1-2 मिनट ही हम वहाँ पे खड़े हुए होंगे, और इस आर भी हमें बिल्कुल तैयार खड़ी मिली। तो आते टाइम वैसे टाइम तो नहीं लगा, लेकिन फिर भी 8:30 हो गए थे क्योंकि वहीं पे लेट हो गए थे, वहीं पे हमें 6 बज गए थे आराम से, हाँ तो 6 वहीं पे बज गए थे, तो 8:30 तो फिर होने ही थे क्योंकि इतना टाइम तो वैसे भी लग जाता है आने में ही। तो अब सोचा कि चलो चलते चलते एक बार और श्याम जी से मिल लेते हैं, तो आ गए हैं मिल करके, और प्रसाद दे दिया था भगत जी ने, और जिनको गाड़ी मिली है वो जो भगत जी है ना यहाँ पे, उनके बहू बेटा है जो मेरी सब्सक्राइबर है पूजा। तो अब हम चल पड़े हैं क्योंकि पैदल आए हैं मंदिर में से यहाँ तक, और बस यहाँ आते ही हम आ करके खड़े हुए थे तो बस हमें मिल गई थी। चलो चलो बस आ गई, जय दादी नानी नितिन है नितिन। और जय ने बस में बैठते ही कर दिया था स्टार्ट रोना, क्योंकि इसको दादी की याद आ रही थी। बिल्कुल हम ना घर पे ही पहुंच गए, 2.5 घंटे तक इसकी यही रट रही, 5 मिनट चुप हुआ है, फिर बोल दे दादी मम्मी दादी, और रो रहा था साथ में, बिल्कुल ऐसे नहीं मतलब बच्चा माँ के बगैर करता है ऐसे कर रहा था। और पूरा दिन इसने 1 मिनट भी याद नहीं किया, एक बार भी नहीं बोला कि मम्मी हाँ दादी के पास जाना है। तो चलो फिर अब इस वीडियो को कर देते हैं यहीं पे एंड। कैसा लगा आप लोगों को ये व्लॉग जरूर बताइएगा कमेंट करके, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए फिर बाय बाय, टेक केयर।